नमस्कार मित्रों, आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डीपीआई विभाग वर्ग 2 की सेकंड काउंसलिंग में गणित, संस्कृत व हिंदी में नए अभ्यर्थियों के नाम आएंगे या नहीं आएंगे। आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक पर बात करने वाली हैं। आप सभी से विनम्र अनुरोध है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं डीपीआई विभाग और ट्राइबल विभाग वर्ग 2 में वर्तमान में दोनों विभाग में कुल कितने पद हैं। तो यह डीपीआई विभाग और ट्राइबल विभाग दोनों की पद संख्या दी गई है। गणित में हम बात करें तो 1312, ट्राइबल में हम बात करें तो 1783। तो देखें डीपीआई विभाग में गणित के कुल 1312 पद हैं, वहीं ट्राइबल में गणित के 1783 पद हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्राइबल विभाग में गणित, ट्राइबल विभाग में डीपीआई की सेकंड काउंसलिंग में नए अभ्यर्थियों के नाम आएंगे कि नहीं आएंगे। तो विशेष तौर पर डिपेंड करता है कि जो जिन आवेदकों के यदि जिन आवेदकों ने ज्वाइनिंग ले ली है, चाहे वह वर्ग 1 में ज्वाइनिंग ले ली हो चाहे वो ट्राइबल में ज्वाइनिंग ले ली हो, यदि उन आवेदकों के नाम नहीं कटते हैं तब डीपीआई की सेकंड काउंसलिंग में नए अभ्यर्थियों के नाम देखने ना के बराबर मिलेंगे, वो भी गणित सब्जेक्ट पर। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो इसका सबसे बड़ा रीजन है 1312 पदों की जो सेकंड काउंसलिंग, अभी 1312 पद जो डीपीआई ने जारी किए थे, इसकी से जो बेटिंग मनाई थी वह 1.5 गुनी मनाई थी, वहीं ट्राइबल ने जो बेटिंग मनाई है वह 2 गुनी मनाई है। तो इस कारण से ट्राइबल में अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को चांस मिला है ट्राइबल के अपेक्षा। तो यदि नए अभ्यर्थियों के नाम मिलेंगे तो ना के बराबर, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल नहीं आ सकते, आएंगे तो बहुत से बहुत कम। हाँ, लेकिन यदि जिन अभ्यर्थियों ने वर्ग 1 में ज्वाइनिंग ले ली है और जिन अभ्यर्थियों ने ट्राइबल में ज्वाइनिंग ले ली है, यदि ऐसा गवर्नमेंट करती है कि उनके नाम हटा दें, मैं हमेशा इस बात पर जोर देता हूं, देता रहा हूं, तो आगे भी कई वीडियो में इस पर जोर दूंगा कि जिनके ज्वाइनिंग हो चुकी है यदि गवर्नमेंट उनके नाम हटा देती है तो बहुत से बहुत जितने मैक्सिमम अभ्यर्थियों का भला हो सकता है, कई अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग प्राप्त हो जाएगी और लगभग आप मानकर चलिए नए ही नए आवेदक आएंगे, 90% नए अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिल जाएगी। कब? जब इनके नाम हटते हैं तो। यदि ट्राइबल में के नाम डीपीआई से नहीं हटते हैं, वर्ग 1 के नाम डीपीआई की सेकंड काउंसलिंग में नहीं हटते हैं, तो गणित में ना के बराबर कहा जाए तो 10% ही अभ्यर्थी नहीं देखने मिलेंगे और उससे भी कम। अब हम बात कर लेते हैं संस्कृत की। तो यह सभी में विशेष तौर पर स्थिति सभी सब्जेक्ट में लागू होनी है, चाहे वो हिंदी हो चाहे संस्कृत हो चाहे समाज विज्ञान चाहे विज्ञान, यदि नाम नहीं हटते हैं तो स्थिति होनी है। संस्कृत में आपकी लगभग इसमें भी 2 गुनी बेटक बनी है, इसमें 1.5 गुनी बनी है, फिर भी संस्कृत में आपके 20% नए अभ्यर्थियों के नाम देखने मिल सकते हैं, 20 से 30%। ऐसा क्यों? क्योंकि इसने 1.5 गुनी जारी की है, भले ही ट्राइबल में इसके पद कम है लेकिन इसकी जो बेटिंग बनी है वह 2 गुनी बनी है, इसलिए 20 से 30% नए अभ्यर्थियों के नाम देखने मिलेंगे। वहीं बात करें हिंदी की, तो हिंदी में नए अभ्यर्थियों के कोई भी नाम देखने नहीं मिलेगा, नए लोगों के नाम नहीं आएंगे। कब? जब यदि, क्योंकि इसमें 100 पद हुए हैं जारी, इसमें 348 है, 348 के दुगने यानी 700 के समथिंग पद इसने क्लियर किए हैं, इसने मात्र 150 किए हैं, तो आप ही विचार कीजिए कि इसमें नए अभ्यर्थियों के नाम मिलेंगे, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, लेकिन यदि ट्राइबल और वर्ग 1 के अभ्यर्थियों के नाम हट जाते हैं
तो मैक्सिमम से मैक्सिमम नए अभ्यर्थियों को चांस मिलेगा। तो आपने देखा गणित में लगभग 5% नए अभ्यर्थियों के नाम आ सकते हैं, संस्कृत में 20 से 30%, हिंदी में 0%, कोई चांस नहीं है। अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे विज्ञान, समाज विज्ञान और इंग्लिश में डीपीआई की सेकेंड काउंसलिंग में नए अभ्यर्थियों के नाम आएंगे कि नहीं आएंगे। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार मित्रों, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।